आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से। आज भी सपा दफ्तर में बैठक करेंगे अखिलेश यादव। दूसरे दल के बागियों को सपा में शामिल करने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा और आज पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। निकाय में टिकट के दावेदारों पर भी अखिलेश का मंथन जारी रहेगा। बड़ी संख्या में जो सपा कार्यकर्ता और नेता जो है पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो आज भी अखिलेश यादव जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करेंगे, सपा दफ्तर पर बैठक करेंगे अखिलेश यादव। और दूसरे दल के बागियों को कैसे समाजवादी पार्टी में शामिल करना है इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ आज पार्टी के पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी कि जो दूसरे दल के बागी हैं उन्हें कैसे सपा में शामिल किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ निकाय में टिकट के दावेदारों पर भी अखिलेश का मंथन जारी है। दरअसल कल सुभाषपा के बाकी नेता महेंद्र राजभर और त्रिवेणी राम सपा कार्यालय पहुंचे थे और इसे लेकर सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने आरोप लगाया, ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सपा नेता उदयवीर सिंह ने दोनों नेताओं को अपने साथ लेकर जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात कराई है। अरुण राजभर ने सपा पर उनकी पार्टी को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि सपा के इशारे पर महेंद्र राजभर ने सुभाषपा अध्यक्ष और ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए थे। हमने आपके चैनल के माध्यम से एक बार बताया था कि ये साजिश समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है, जो समाजवादी पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से घबराई हुई है और उसी घबराहट की वजह से ये तरह तरह के षड्यंत्र, दगे हुए कारतूसों को इकट्ठा करके वो हमारी पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश रच रहे थे। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से मैं गुजर रहा था, अचानक हमारा निगाह उनके ऊपर पड़ा और जैसे ही मेरी निगाह पड़ी, चोरों की तरह ये दोनों नेता कमरे में, एक पीछे वाला एक गेट था उसमें भागते नजर आए, तो मैंने देखा कि ये भाग क्यों रहे हैं। जब देखा उधर भाग रहे हैं तो ये हमारी गाड़ी फिर हम पीछे करके हम समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ फिर से बढ़े, तो देख रहा हूं कि श्री उदयवीर सिंह जी अपनी गाड़ी में इन दोनों नेताओं को, दगे हुए कारतूसों को बैठा करके जनेश्वर मिस ट्रस्ट में ले जा रहे हैं और उस ट्रस्ट में ले जाकर श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात करा रहे हैं। तो अरुण राजभर को भी आपने सुना, क्या कुछ उनका कहना था इस पूरे मामले को लेकर। अब जरा पॉइंट्स के जरिए समझिए कि अखिलेश का मिशन निकाय आखिरकार है क्या। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज एक अहम बैठक होने वाली है लखनऊ में, जो पदाधिकारी हैं उनके साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे। दूसरी पार्टियों के जो बाकी नेता हैं उन्हें कैसे समाजवादी पार्टी में शामिल करना है इस पर मंथन किया जाएगा। बागियों को सपा में शामिल करने की रणनीति पर आज मंथन करेंगे, रणनीति बनाएंगे और दूसरी पार्टियों के बागियों के पदाधिकारियों से भी आज चर्चा जो है वो संभव मानी जा रही है। आपको ये बता दें कि सुभाषपा के जो बागी नेता हैं वो सपा दफ्तर कल पहुंचे थे, महेंद्र राजभर और त्रिवेणी पहुंचे थे सपा दफ्तर और सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी पर तोड़ने का आरोप लगाया है। तो अरुण राजभर को आपने सुना जिन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया था। अब निकाय जीत के लिए सपा की रणनीति क्या है ये भी जरा आप समझिए। दूसरी पार्टियों के बागियों पर समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा नजर है, दलित वोट बैंक पर विशेष फोकस इस बार रखा गया है। नाराज जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें कैसे मनाया जाए इसकी कोशिश पर भी आज रणनीति बनेगी और साथ ही साथ जनता के बीच जाकर सीधा संवाद करने की जो रणनीति है वो भी बनाई जाएगी। डोर टू डोर जाकर वोटों से सीधा संवाद किया जाएगा, जो वोटर्स हैं उनसे सीधी बात की जाएगी। बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती पर भी जोर दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि युवाओं को कैसे समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ना है उसकी कोशिश भी की जाएगी। नए वार्डों में विशेष निगरानी का फैसला समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है और पार्टी सिंबल पर उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला भी इस बार लिया गया है। MY वोट बैंक को साथ जोड़े रखने की रणनीति भी आज बनाई जाएगी और इसी के साथ साथ जो महिला वोट बैंक को पार्टी के साथ कैसे जोड़ना है इस पर भी विशेष तौर पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात है, चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी देना, क्या जिम्मेदारी शिवपाल यादव को मिलती है इस पर भी आज जो है वो बातचीत हो सकती है, मंथन हो सकता है और जल्द ये ऐलान हो सकता है कि चाचा शिवपाल को क्या जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में मिलती है। और चलिए विदेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। विदेश जी, निकाय चुनाव की तैयारी है सपा की तरफ से लेकिन सबसे बड़ी नजर है बागियों पर और सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपर नाम है वो है सुभाषपा के लोगों का। अरुण राजभर को भी हमने सुना जो कि आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके जो कार्यकर्ता है उनके जो लोग हैं अपनी तरफ सपा उन्हें खींच रही है और साथ ही साथ आज ये भी होगी चर्चा कि शिवपाल को क्या जिम्मेदारी देनी है। इन सब पर अगर जानकारी आपसे ले तो क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, क्या जिम्मेदारी मिल सकती है शिवपाल यादव को?
देखिए, जैसा कि अरुण राजभर को आप सुना रही थी, उनकी निगाहें बहुत पैनी हैं, पिता पुत्र की निगाहें बहुत पैनी हैं, उसी जगह पर जाकर टिक जाती हैं जहां बागी दूसरी पार्टी में जाते हुए दिखाई देते हैं। रही बात उदयवीर सिंह और समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की, तो समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि गठबंधन ने हमको ये ताकत दी कि सुभाषपा की वो सीटें आईं, नहीं तो ये जीरो के जीरो हो जाते। जैसा पुत्र हारा वैसा पिता भी हार जाता और पूरी पार्टी के जीरो विधायक होते। ये समाजवादी पार्टी का मानना है कि हमने हाथ रखा और हाथ रखकर इन्हें आगे बढ़ा दिया, और ऐसी स्थिति में गठबंधन में उन्होंने धोखा दिया, गठबंधन को उन्होंने तोड़ा, और ऐसी स्थिति में पार्टी चाहती, अखिलेश यादव की पार्टी चाहती है कि जो वहां के कद्दावर नेता हैं, जो संपर्क में हैं, वो समाजवादी पार्टी में आए। और सभी पार्टियां अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम करती हैं, चाहे वो भाजपा कांग्रेस जो भी है, जिसका जब समय आता है वो पार्टियों को तोड़ने और मोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी में कल महेंद्र राजभर और जो त्रिवेणी राम की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं कि महेंद्र राजभर सुभाषपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं और महेंद्र राजभर की स्थिति जमीनी नेता के तौर पर मानी जाती है। जैसा कि अरुण राजभर कह रहे हैं कि ये दगे हुए कारतूस हैं, तो जो पार्टी से निकल जाता है वो दगा हुआ कारतूस हो जाता है, जो बगावत कर देता है, जो बागी हो जाता है, वो फटा हुआ पंचर बन जाता है। तो ये ऐसी बातें नहीं है, जो जमीन को जानते हैं वो ये जानते हैं कि महेंद्र राजभर ने सुभाषपा की जमीन को बनाया था, महेंद्र राजभर ने कंधे से कंधा मिलाकर सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को आगे बढ़ाया था, त्रिवेणी राम भी बहुत ही महत्वपूर्ण नेता सुभाषपा के रहे हैं। ऐसे में इन्हीं लोगों के दम पर सुभाषपा आगे बढ़ी है, और ये मजबूत पिलर जो हैं उन्होंने बगावत कर दी है सुभाषपा से। ये दगे हुए कारतूस नहीं कहा जाएगा जहां जिस इलाके में वो रहते हैं, पार्टी में बड़ा उनका योगदान रहा है, और ऐसे मजबूत पिलर्स को समाजवादी पार्टी तोड़ लेना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके पूरे कुनबे ने समाजवादी पार्टी का सहारा लेकर अपने विधायक तो बढ़ाए, लेकिन अब वो उन्होंने बगावत किया है, धोखा दिया है, तो धोखे का जवाब पूरा उन्हें करारा मिलेगा। इसलिए अखिलेश यादव बिल्कुल जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं अरुण राजभर की तरफ से, उस पर क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत धन्यवाद वीरेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।